अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्लाह। अभी हम चलफिरशा बाबा की दरगाह शरीफ में बैठे हैं। आपने चलफिरशा बाबा को हयाती ज़िंदगी में देखा है? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 100 के ऊपर। 105 साल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरफान सक्कर ख्वाजा गरीब नवाज चैनल से। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अभी आज मैं आया हुआ हूँ चित्तौड़गढ़, और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं हजरत काजी चलफिरशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। और इस दरगाह शरीफ से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। अंदर एक अम्मा बैठी हुई थी, उनका मैंने एक वीडियो बनाया। बैठी हुई है अभी और अभी भी बैठी हुई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो अम्मा जो है, उन्होंने हजरत चलफिरशा बाबा रहमतुल्लाह अलैह को अपनी हयाती ज़िंदगी में देखा है। तो मैं अभी चलता हूँ अंदर और उनसे आप लोगों को मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम चलफिरशा बाबा की दरगाह शरीफ में बैठे हैं। आपने चलफिरशा बाबा को हयाती ज़िंदगी में देखा है? अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 100 के ऊपर। 105 साल। और आपने बाबा को देखा है? कैसे दिखते थे? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी थी हाइट, कैसी थी उनकी? जवान वादी में। हाँ, आपने देखा है? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। ये जो आप डोकरी मतलब उम्र दराज ये जो बुजुर्ग को देख रहे हैं, इन्होंने हजरत चलफिरशा बाबा की को देखा है मतलब अपनी हयाती ज़िंदगी में। ये चलफिरशा बाबा की दरगाह में अभी मैं मौजूद हूँ, और ये जो मतलब बुज़ुर्ग थे, इन्होंने हजरत चलफिरशा बाबा को हयाती ज़िंदगी में देख रखा था माशाल्लाह। ये है हजरत चलफिरशा बाबा दरगाह की। देखिए चित्तौड़गढ़ की ये मशहूर दरगाह है हजरत चलफिरशा बाबा, जिन्हें वो काजी पिया के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये है हजरत चलफिरशा बाबा की दरगाह शरीफ। और ये देखिए, यहाँ पे इन्हों का तख्त है और वहाँ पे शेर है, शेर का एक वो है, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और ये है गिलाफ़े काबा। ये देखिए, ये असल गिलाफ़े काबा है, जो कि मक्का मुकरमा हरम शरीफ जो कि असल काबा है, उस पर एक गिलाफ है। गिलाफ़े काबा हाथ लगाना है, इसको मना है। और ये है शेर, शेर का कोई वाक्या यहाँ से जुड़ा है। ये जो है इन्हों का वाक्य यहाँ से जुड़ा है, अब मेरे को मालूम नहीं है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है।